दोस्तों कुछ ऐसे टीवी शोज और कुछ ऐसे वेब सीरीज भी होते हैं जो कि एक्चुअल में मूवीज को भी चैलेंज कर जाते हैं। ठीक उसी तरह आज हम बात करेंगे कुछ ऐसे टीवी शो और कुछ ऐसे वेब सीरीज के बारे में जो आपको कभी बोर नहीं करेंगे। भले ही इनमें से ज्यादातर टीवी शोज और वेब सीरीज इंग्लिश में अवेलेबल है, लेकिन यकीन मानिए दोस्तों ये सभी के सभी सीरीज आपको बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग लगेंगे। तो चलिए जानते हैं कि कौन कौन से ऐसे इंटरेस्टिंग टीवी शोज और वेब सीरीज है आज के हमारे इस टॉप 10 काउंटडाउन में, और ज्यादा जानकारी और डाउनलोड्स के लिए डिस्क्रिप्शन पे दिए गए लिंक पर क्लिक। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा टॉप 10 काउंटडाउन। नंबर 10, रशियन डॉल। मिस्ट्री और सस्पेंस के ऊपर बनी इस वेब सीरीज को रिलीज की गई थी 2019 में, और वेब सीरीज की स्टोरी शुरू होती है नताशा नाम की एक फेमस एक्ट्रेस से, जो कि न्यूयॉर्क में एक पार्टी हाउस पहुंचती है पार्टी मनाने के लिए, लेकिन अचानक से ही वो अपने आप को या फिर कह सकते हैं कि उसकी लाइफ को वो एक लूप में पाती है, या फिर कह सकते हैं कि वो हर बार मारी जाती है और हर बार उसके साथ वही सारी चीजें रिपीट होना शुरू हो जाती है। आखिरकार लास्ट तक वो उस रिपीटेड वर्ल्ड से बाहर निकल पाती है या फिर नहीं निकल पाती है, और उसकी लाइफ असल में एक लूप में क्यों फंस जाती है, ये इस वेब सीरीज में देखने लायक है। और इस वेब सीरीज को आईएमडीबी रेटिंग देती है 10 में 7.9, और इसे अगर आप देखना चाहते हैं तो डायरेक्टली नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं। नंबर 9, वॉरियर। एक्शन और थ्रिलर के ऊपर बनी इस टीवी सीरीज को रिलीज की गई थी 2019 में, और टीवी सीरीज की स्टोरी की अगर हम बात करें तो टीवी सीरीज की स्टोरी आपको ले जाती है 18th सेंचुरी में, जहां पर आप देख पाएंगे एक ऐसे गैंगस्टर को जो कि एक्चुअल में चाइना टाउन पर कब्जा करना चाहता है या फिर कह सकते हैं कि अपना राजत्व स्थापित करना चाहता है, लेकिन इसी बीच उसे रोकने के लिए बहुत सारे दूसरे गैंगस्टर के लोग भी खड़े हो जाते हैं, और लास्ट तक क्या अहशाम अपने इस मकसद को कामयाब कर पाते हैं या फिर नहीं कर पाते हैं, यही दिखाने की कोशिश की गई है इस कंप्लीट टीवी सीरीज में। और इस टीवी सीरीज को आईएमडीबी रेटिंग दी है 10 में 8.2, और इसे अगर आप देखना चाहते हैं तो डायरेक्टली सिनेमैक्स पर देख सकते हैं। नंबर 8, द टेरर। हॉरर और एक्शन के ऊपर बनी इस टीवी सीरीज की फर्स्ट पार्ट रिलीज की गई थी 2018 में। टीवी सीरीज की स्टोरी की अगर हम बात करें तो टीवी सीरीज की स्टोरी शुरू होती है कैप्टन सर जॉन फ्रैंकलिन से, जो कि एक्चुअल में अपने क्रू को लेकर एक शिप में ट्रेवल कर रहे होते हैं नॉर्थ वेस्ट की तरफ, लेकिन अचानक से ही उनकी शिप एक बर्फीले जगह पर फंस जाती है और वहीं से शुरू होता है मौत का सिलसिला। आखिरकार ये सारे किलिंग कौन कर रहा होता है इस कंप्लीट सीरीज में देखने लायक है, और इस टीवी सीरीज को आईएमडीबी रेटिंग देती है 10 में 8, और इसे अगर आप देखना चाहते हैं तो डायरेक्टली एएमसी पर देख सकते हैं। नंबर 7, द पर्ग। हॉरर और एक्शन के ऊपर बनी इस टीवी सीरीज की फर्स्ट पार्ट रिलीज की गई थी 2018 में, और टीवी सीरीज की स्टोरी की अगर हम बात करें तो टीवी सीरीज की स्टोरी शुरू होती है न्यूयॉर्क शहर से, जहां पर 12 घंटा आपको दिया जाता है किसी भी क्रिमिनल एक्टिविटी को अंजाम देने के लिए, या फिर कह सकते हैं कि उस रात आप किसी को भी मार सकते हैं, कोई भी चोरी कर सकते हैं, और गवर्नमेंट की तरफ से आपके ऊपर कोई भी चार्जेस नहीं लगेंगे। ठीक इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर यह कंप्लीट सीरीज बनी है कि लास्ट तक उस पर्ज नाइट से कौन कौन सर्वाइव कर पाता है या फिर नहीं कर पाता है, और इस टीवी सीरीज को आईएमडीबी रेटिंग देती है 10 में 6.4, और इसे अगर आप देखना चाहते हैं तो डायरेक्टली यूएसए नेटवर्क पर देख सकते हैं। नंबर 6, द क्रिसमस कैरोल। फैंटेसी और हॉरर एक्टिविटी के ऊपर बनी इस टीवी सीरीज की फर्स्ट पार्ट रिलीज की गई थी 2019 में, और टीवी सीरीज की स्टोरी की अगर हम बात करें तो टीवी सीरीज की स्टोरी शुरू होती है मिस्टर क्रूज से, जो कि एक्चुअल में एक निर्दयी इंसान है, या फिर कह सकते हैं कि वो कभी किसी इंसान को प्यार नहीं करते हैं। ठीक उसी तरह एक दिन अचानक से ही उनके लाइफ में 3 घोस्ट आते हैं, और वो 3 घोस्ट उनकी लाइफ में अच्छी खासी सीख देकर उन्हें चले जाते हैं। आखिरकार मिस्टर क्रूज उन 3 घोस्ट से क्या सीख लेते हैं, ये इस कंप्लीट सीरीज में बड़ी अच्छी तरह से दिखाई गई है, और इस टीवी सीरीज को आईएमडीबी रेटिंग देती है 10 में 7.2, और इस टीवी सीरीज को अगर आप देखना चाहते हैं तो डायरेक्टली बीबीसी नेटवर्क पर देख सकते हैं। नंबर 5, प्रीचर। हॉरर और एक्शन के ऊपर बनी इस टीवी सीरीज की फर्स्ट पार्ट रिलीज की गई थी 2016 में, और टीवी सीरीज की स्टोरी की अगर हम बात करें तो स्टोरी शुरू होती है एक फादर से, जो कि मदद करते हैं कुछ ऐसे लोगों को जो कि एक्चुअल में अपने लाइफ में एक लूप में फंसे हुए रहते हैं, या फिर कह सकते हैं कि उनकी लाइफ एक लूप में फंस जाती है, और उन्हें ही फादर किसी भी तरह से निकाल लाते हैं, लेकिन बीच बीच में फादर का काम भी बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है, और उस मुश्किल से फादर किस तरह निकलते हैं ये इस कंप्लीट सीरीज में बखूबी दिखाई गई है, और इस टीवी सीरीज को आईएमडीबी रेटिंग देती है 10 में 8, और इसे अगर आप चाहते हैं तो डायरेक्टली एएमसी पर देख सकते हैं। नंबर 4, ट्रू डिटेक्टिव। ड्रामा, मिस्ट्री और सस्पेंस के ऊपर बनी इस टीवी सीरीज की फर्स्ट पार्ट रिलीज की गई थी 2014 में, और टीवी सीरीज की अगर हम बात करें तो टीवी सीरीज एक्चुअली बेस्ड है सीरियल किलिंग एक्टिविटी के ऊपर, जहां पर एक छोटे से शहर में लगातार कुछ ना कुछ होता रहता है, या फिर कह सकते हैं लगातार सीरियल किलिंग होती रहती है, और वहां के डिटेक्टिव उस किलर को खोजने में नाकामयाब रहते हैं, लेकिन लास्ट तक उस किलर को वो डिटेक्टिव खोज के निकाल पाते हैं या फिर नहीं निकाल पाते हैं, यही दिखाने की कोशिश की गई है इस कंप्लीट सीरीज में। इस टीवी सीरीज के जितने भी एपिसोड आपको दिखाए जाएंगे वो सारे के सारे एक सच्ची घटना पर आधारित है, और इस टीवी सीरीज को आईएमडीबी रेटिंग देती है 10 में 9, और इसे अगर आप देखना चाहते हैं तो डायरेक्टली एचबीओ पर देख सकते हैं।
नम्बर थ्री द विचर ड्रामा एक्शन और फैंटेसी के ऊपर बनी इस वेब सीरीज को रिलीज की गई थी 2019 में। और वेब सीरीज की स्टोरी की अगर हम बात करें तो वेब सीरीज की स्टोरी शुरू होती है द विचर से, जो कि एक्चुअल में मॉन्स्टर हंट करते हैं और अपना लाइफ चलाते हैं। इसी बीच वो अपनी डेस्टिनेशन तक पहुंचना चाहते हैं। आखिरकार लास्ट तक क्या वो अपनी डेस्टिनी को खोज के निकाल पाते हैं या फिर नहीं निकाल पाते हैं, इवन उनकी जर्नी कितनी ज्यादा इंटरेस्टिंग रहती है, ये भी इस वेब सीरीज में देखने लायक है। और इस वेब सीरीज को IMDb रेटिंग देती है 10 में 8.3, और इसे अगर आप देखना चाहते हैं तो डायरेक्टली नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं। नंबर टू ट्रेडस्टोन ड्रामा फैंटेसी और एक्शन के ऊपर बनी इस वेब सीरीज को रिलीज की गई है 2019 में। और वेब सीरीज की स्टोरी की अगर हम बात करें तो वेब सीरीज की स्टोरी शुरू होती है जैसन ब्रूनी से, जो कि अपने आप को अचानक से ही एक ऐसे डेडलीस्ट मिशन में पाते हैं जो कि उनके लिए करना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है, या फिर कह सकते हैं कि कंप्लीट सीरीज में वो ये पता लगाने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार ये ट्रेडस्टोन मिशन है क्या और लास्ट तक क्या वो अपने इस मिशन को कामयाब कर पाते हैं या फिर नहीं कर पाते हैं, यही दिखाने की कोशिश की गई है इस कंप्लीट सीरीज में। और इस सीरीज को IMDb रेटिंग देती है 10 में 7, और इसे अगर आप देखना चाहते हैं डायरेक्टली US नेटवर्क पर देख सकते हैं या फिर Amazon प्राइम वीडियो पर भी इसे देख सकते हैं। और लास्ट और नंबर वन पर हम बात करेंगे वाइकिंग ड्रामा फैंटेसी और एडवेंचर के ऊपर बनी इस टीवी सीरीज की फर्स्ट पार्ट रिलीज की गई थी 2013 में। और टीवी सीरीज की स्टोरी की अगर हम बात करें तो टीवी सीरीज की स्टोरी शुरू होती है रैगनर नाम के एक लड़के से, जो कि एक्चुअल में एक फार्मर रहता है, लेकिन अचानक से ही वो फेयरलेस वॉरियर के रूप में वो सामने आता है और वाइकिंग्स का कमांडर बन जाता है। कंप्लीट सीरीज में यही दिखाने की कोशिश की गई है कि रैगनर की जर्नी कितनी ज्यादा एडवेंचरस रहती है और वो अपने इस जर्नी को कितना सक्सेस कर पाता है, इवन वो अपने लोगों को कितना ज्यादा सुरक्षित रख पाता है, यही कंप्लीट सीरीज में दिखाने की कोशिश की गई है। और इस टीवी सीरीज को IMDb रेटिंग देती है 10 में 8.6, और इस टीवी सीरीज को अगर आप देखना चाहते हैं तो डायरेक्टली हिस्ट्री चैनल पर देख सकते हैं या फिर Amazon प्राइम वीडियो पर भी इसके सारे एपिसोड अवेलेबल हैं। इनके अलावा भी आप चाहे तो देख सकते हैं क्वीन ऑफ द साउथ, लॉरी, डोम पेट्रोल, लीगन सीजन 2, एस वर्सेस इविल डेड, द ब्रिज, द मैजिशियन सीजन 5। ये सभी के सभी टीवी सीरीज आपको बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग लगेंगे। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का काउंटडाउन पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक का बटन जरूर दबाएं और कमेंट हमसे जरूर शेयर करें। तो फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ, नए काउंटडाउन के साथ। खुश रहिए, हेल्दी रहिए, गुड बाय।